गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह हो चुकी है और ये नया व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ दीदी सफाइयों में लगी हुई हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू अवर व्लॉग। और अभी चल रही है सफाइयां कर दी हैं। देखो सफाई अभियान के तहत सब कुछ साफ कर दूंगी वाली स्थिति, तुझे भी साफ कर दूंगी। क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ बोले तो। मैं कहा कुछ तो बोले तो। सफाई के साथ साथ हम लोग खाना भी बना रहे हैं। यहाँ बन रही है दाल। अरे आज तो दाल की रेसिपी डालने वाले थे ना कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से दाल कैसे बनाए। हाँ तो डालो, है ना। तो एक काम करो, यहाँ से दिखा दो कि तुअर की दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धोना चाहिए। और तुअर की दाल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से धोनी चाहिए। तो ये तुअर की दाल मैंने धो दी है। धो के अगर आपने देखा हो तो इसके ऊपर से जो भी छोटे छोटे ये थोड़े से दाग थे ये मैंने निकाल लिए हैं, इनको निकाल लेना चाहिए। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, बाकी मसाले में भी डालूंगी। और इसके साथ साथ अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। ये हल्दी डाल के अब मैं इसको लगा दूंगी सीटी आने के लिए। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सारे गमले अच्छे से सेट किए हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मैंने गमले सेट किए हैं अपने। पता नहीं क्यों मेरा ये करी पत्ता कोई खा रहा है, जानवर या क्या हो रहा है इसमें। ये देखिए करी पत्ता भी अच्छा चल रहा है। और ये दो, हाँ यार इधर कबूतर बहुत आ रहे हैं पता है तुम्हें। और ये है बिस्कट में, पता नहीं क्यों फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये सब मैं लगा चुकी हूँ, देखिए जो मैं नए फूल पौधे लाई थी वो भी मैंने सब लगा दिए हैं। ये मेरा छोटा सा बालकनी का जो गार्डन टाइप है आप देख सकते हैं ये मैंने। और ये मेरे मनी प्लांट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गई है, तो ये यहाँ पे भी मनी प्लांट पूरा अच्छे से खिल गया है देखिए ये। और ये भी अच्छा हो गया था तो मैंने इन सबको भी ना बांध दिया। ये छोटा वाला भी अच्छा हो गया था। ये देखिए ये मेरे सारे पेड़ हैं, मतलब प्लांट्स हैं छोटे छोटे से। और आई होप ये जो मम्मी के यहाँ से मैं मिर्ची लाई हूँ ये इस बार चल जाए, बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए हो रही है बहुत जमाजम बारिश। मेरा लगा मैंने कहा पता नहीं क्यों अंधेरा सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर देखा तो जमाजम बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है ना। देखिए इतने सारे बैलून धीरे धीरे नीचे निकल रहे हैं अभी तो बैलून्स। पर ये देखिए बर्थडे का डेकोरेशन सुंदर सुंदर, आपको दिखाती हूँ मैं बारिश इस साइड। ये देखिए गाइस कितनी तेज बारिश आ रही है, और ना बारिश का डायरेक्शन इस साइड पे तो पूरे पानी ऐसे इधर आ रहे हैं। तो इसमें आपको उबालते हुए डालना है 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही नमक, क्योंकि हम हल्दी और नमक मसाले में भी डालेंगे, इसलिए इसमें सिर्फ अभी 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी ही डाल के इसको हमको सीटी लेनी है। और सीटी लेनी है हमको सिर्फ 3, 3 से ज़्यादा सीटी मत लीजिएगा। हमने कुकर लगा दिया है और हम इसकी लेंगे विसल, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी मसाला तैयार करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ऐसे बेसिकली 3 सीटियां लेनी है आपको। दूसरी थी ऐसे 3 सीटी आते ही गैस को बंद कर दो। पोछा लगाती हूँ दीदी, मैं कह रहा पोछा लगाती हुई दीदी। देखो काम खत्म नहीं होता और फैन ऑन करते हैं। हाँ तो मिट्टी आएगी, बारिश हो रही है तो। अब मैं आ गई हूँ वो काफ़ी कुछ काम कंप्लीट करके अपने कमरे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी हालत कैसी हो रही है,
तो आज जो है मेरी वो हाउस हेल्प नहीं आई थी, जो वो आंटी हैं वो आज भी नहीं आई थी, पता नहीं क्यों, आज आने का था पर नहीं आई। मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, आई डोंट नो व्हाई वो नहीं आई। तो आज मुझे पूरे घर का झाड़ू पोछा दोबारा से करना था, क्योंकि आने के बाद मेरी बिंदी कहाँ चली गई। आने के बाद तो वैसे मैंने एक बार तो कर लिया था, क्योंकि आंटी नहीं थी और घर बहुत गंदा था तो झाड़ू पोछा करना ही था तो कर लिया था। और आज फिर से मैंने थोड़ी डस्टिंग की थी, अनपैकिंग की थी, थोड़ा काम किया था, तो फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, थोड़ा नाश्ता सुबह कर लिया था। दिन में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ छोटे पुटे खा लिया था। वैसे दाल चावल की तैयारी मैंने कर रखी है, दाल मैंने उबाल के रख दी है, चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। सो अब दाल चावल बनाऊंगी पहले, सबसे पहले, लेकिन अब हम नहा लेते, मतलब मैं नहा लेती हूँ, ये तो ऑलरेडी नहाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाऊँगी, फटाफट नहा के सारा काम कम्प्लीट करूँगी। और आज जो है वो जन्माष्टमी की भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेट्स सी जन्माष्टमी की शॉपिंग आज करने जाते हैं या कल करने जाते हैं पता नहीं, बट हाँ कुछ ना कुछ जो है आज थोड़ी बहुत प्रिपरेशन सोच रहे हैं करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स सी क्या करते हैं। और अभी आने वाले वीक में मेरी बर्थडे की भी प्रिपरेशन, वैसे तो सरप्राइज़ मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरी बर्थडे का भी कुछ प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, वो भी करेंगे। और साथ के साथ मेरे बर्थडे के अगले दिन सारू आ रही है, सारिका जिसको आप जानते हैं, तो वो भी आने वाली है, तो कुछ थोड़ी सी मस्ती और घूमना फिरना भी होगा, तो वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे व्लॉग में नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के मस्ती वाले व्लॉग्स के लिए। सो अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. So guys, अब मैं नहा करके हो चुकी हूँ रेडी और एकदम अब अच्छा लग रहा है, अच्छे से आज शैम्पू भी किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से साफ़ सफाई कर रहे थे लेकिन शैम्पू नहीं कर पा रहे थे, आज शैम्पू किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब चलिए चलते हैं और करते हैं हमारी खाने की तैयारी। खाने में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जो चावल हैं वो मैंने भिगो रखे हैं, सो ये देखिए मैंने चावल भिगो रखे हैं, और मेरी किचन की भी पूरी सफाई हो गई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने किचन अपनी पूरी क्लीन कर ली है, ये स्टोर रूम से पहले स्टार्ट किया था तो पहले पूरा स्टोर रूम क्लीन करके सेट किया है। सो ये पूरा साफ़ हो चुका है, ये भी पूरा मैंने अच्छे से क्लीन करके सब रख दिया है, बस एग्जॉस्ट फैन बाकी है तो वो मैं बाहर किसी को बुला के और फिर करवाऊंगी। यहाँ पे मेरा चावल जो है वो भीग चुके हैं, अभी चावल बनाते हैं और बनाते हैं दाल। तो दाल के लिए लेके आते हैं पहले टमाटर। टमाटर ये देखिए इनको आ रही है नींद, सुस्तरा में ये सुस्तरा। यहाँ पे अब मैं काट रही हूँ टमाटर दाल को तड़का लगाने के लिए, और जो मैंने लिए हैं वो दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और दो ही मैंने छोटी छोटी मिर्ची ली है, और उसकी मैं कर रही हूँ अब चॉपिंग। और यहाँ पे मैं इनको काट रही हूँ बारीक बारीक, जिससे कि जो टमाटर है अच्छे से गल जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छे से गले हुए टमाटर ही पसंद है। बारीक बारीक टमाटर को काट लिए हैं। सो टमाटर को काटने के बाद हम इसको एक कटोरी में खाली कर देंगे, और खाली करने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में हम एक छोटा चम्मच धनिया और 1/4 टीस्पून हमारा हल्दी, और एक पूरा चम्मच भर के लाल मिर्ची, क्योंकि हमने जो हरी मिर्ची ली है वो एक छोटी हरी मिर्ची ही ली है। ये सब मसाला जो है वो इसमें जाएगा, और इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी मसाला फ्राई करने से पहले। इसके साथ साथ हम 1/4 चम्मच उसमें नमक डाल चुके थे, तो इसमें भी हम 1/4 चम्मच ही नमक डालेंगे। ये नमक भी डाल चुके हैं, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची। और इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, नहीं हो तो रहने दीजिएगा। हम इसमें थोड़ा सा एक चिमटी भर गरम मसाला डालेंगे। सो ये हमारा तड़के के लिए ये मसाला रेडी है, ये हरी मिर्ची रेडी है। अब उसके साथ साथ जो हमको और चाहिएगा वो है 1/4 टीस्पून राई, उसके साथ साथ 1/4 ही हमको चाहिए जीरा सौंफ, और उसके साथ साथ हमको चाहिए 1/4 टीस्पून जीरा। तो ये भी हमारे तड़के में जाएगा। तो यहाँ पे हमने मसाला डाला था टमाटर के ऊपर, हम इसी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे जो हमारा मसाला है वो जलेगा नहीं और मसाला थोड़ा सा गल जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से हमने भिगो दिया है।
तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी है। हमने तीन सीटी ली थी, तीन ही सीटी लेनी है और इससे हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी। और अगर इसमें हमको लगेगा पानी कम है तो हम इसी कुकर में थोड़ा सा पानी बॉईल करके डाल देंगे, या अगर आपके पास केटल हो तो केटल से पानी को बॉईल करके आप उस दाल में मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम लगाते हैं दाल को तड़का। दाल को तड़का लगाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, आप पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल, बस बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे हम उसमें, और उसके साथ हम लगाएंगे तड़का। सो ये जो हमने मसाला ले रखा था उसमें हम सबसे पहले डालेंगे राई। राई जैसे तड़कड़ा जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ, और उसके साथ साथ हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डाल के ही थोड़ा सा इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मसाले को हमको बिल्कुल एकदम धीमी आंच पे ढक के पकाना है। आप अपनी गैस को एकदम कम पे रखिएगा, वरना जो है हमारा मसाला चिपक सकता है और जल सकता है, इसलिए मैंने भी उसको बहुत कम पे रख दिया है। तो उसको एकदम कम पे रख के हमको पकाना है चार से पाँच मिनट के लिए, और बीच बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा चला के देखते रहिएगा कि कहीं लगे ना, और उसके बाद फिर हम हमारी दाल इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो पकने लगे हैं और हमारा मसाला भी पकने लगा है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको अभी पकाएंगे और उसके बाद फिर हम हमारी दाल डालेंगे। देखिए मसाला हमारा पक गया, इसको पकने दीजिए। सो ये देखिए हमारा मसाला हो चुका है रेडी। आप ये जो साइड में ऑयल देख रहे हैं, मतलब मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है, ये इसकी एक पहचान होती है। तो अब उसके बाद हम डालेंगे हमारी दाल। ये हमारी दाल इसमें डाल के और अच्छे से चलाएंगे, और जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको पानी कम लगे तो पानी को उबाल के डालिएगा, तो मैं भी अपना पानी अब उबालूंगी और उसके बाद डालूंगी। एक मिनट यहाँ पे गैस चला दो और पानी को उबलने रख दो। पानी को जब हम उबाल के या गर्म करके डालते हैं तो जो हमारी सब्जी का दाल का जो टेस्ट होता है वो कम नहीं पड़ता, अदरवाइज ठंडा पानी डालने से जो हमारा मसाला है, दाल है, वो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए कभी भी डालें तो गर्म पानी ही डालें। तो ये पानी हमारा उबल चुका है और अब हम इसको डालेंगे हमारी दाल में, और साथ के साथ आप इसको चलाते रहिएगा जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना पानी डालना है। तो ये देखिए इस तरीके से दाल को हम अच्छे से पानी डाल के अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको जितनी गाढ़ी खानी है, जितनी पतली करनी है, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। हम लोग चावल के साथ खाएंगे इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, और थोड़ा सा पानी अभी उबलने के साथ उड़ेगा इसलिए मैंने इतना पानी डाला है। और अब इसमें लास्ट में मैं डालूंगी हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के इसको गाढ़ने जा रही हूँ। आज सिंपल दाल और उसके साथ ये चावल। सो ये देखिए यहाँ बन रहे हैं मेरे जीरा राइस, एकदम मस्त दिखेंगे। अब इसमें डाल जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया भी बनने के बाद। अभी मेरे ये चावल बन रहे हैं, ये देखिए फिर मस्त लगेंगे ना ये चावल। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ धनिए की कटिंग, और देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से धनिए को काट रही हूँ। मुझे धनिया सब्जियों में, दाल में बहुत पसंद है, और जिस तरीके के चावल मैं बनाती हूँ जीरा राइस, उसमें भी मैं धनिया डालती हूँ, और मैं अपनी सब्जियों में, दाल में खूब सारा धनिया प्रेफर करती हूँ, एकदम बारीक कटा हुआ। सो यहाँ पर मैं वही अपने नाइफ से जो है वो धनिए को एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ। सो यहाँ देखिए दाल जो है वो अच्छे से उबाल खा रही है, इसमें उबाल आ रहा है, और देखिए इसमें तरी भी आ रही है साइड साइड में। देखिए ये जो है ये हमारी तरी है, तो बहुत अच्छे से इसमें आ गया है उबाल। इसको हम 5 मिनट और उबालेंगे और फिर उसके बाद हम इसको धनिए से गार्निश करके खाएंगे। तो ये हमारी दाल एकदम रेडी है, इसमें अब हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया जो कि इस दाल के टेस्ट को और अच्छे से बढ़ाएगा। मेरे को तो धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो राजमा छोले इन सब में धनिया बहुत अच्छे से डालती हूँ। सो ये इसमें डाल दिया हमने धनिया। सुनो चावल का भी ऊपर कर दो ना, मैं चावल में भी थोड़ा धनिया डाल देती हूँ। बस ये चावल में भी डाल दिया हमने,
हमारी दाल एकदम रेडी हो चुकी है और अब हम खाएंगे इसको चावल के साथ। बहुत से लोग रोटी के साथ भी खाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो रोटी के साथ भी खा लेते हैं तुअर की दाल, बट मैं नहीं खाती, मेरे को तो चावल चाहिए इसके साथ। सो ये हो गई है मेरी दाल एकदम रेडी। सो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ प्लेटिंग अपने खाने की, और यहाँ पे मैंने रख लिए हैं चावल, चावल के साथ जो मैंने दाल बनाई है वो। और दाल चावल के साथ ना मुझे, मेरे हस्बैंड को अचार बहुत पसंद है, तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा अचार। अचार के साथ हम लोगों ने लिया है थोड़ा सा सैलड। सो यहाँ पे हो चुका है ये सारी चीज़ें तैयार, और मैं इस दाल को खट्टी मीठी करके खाऊँगी। सो अब हम लोगों ने खा लिया है खाना, और खाना खा के हम लोग अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्या मतलब, मैं तो व्लॉग एडिट करूँगी, ये थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हमारे बाहर जाने की थी, लेकिन बाहर क्यों नहीं जा सकते? पानी पड़ रहा है क्योंकि बारिश आ रही है। देखा ये डिफरेंस, पानी पड़ रहा है, बारिश आ रही है, ये एमपी और राजस्थान का जो डिफरेंस है ना वो ये है कि पानी पड़ रहा है और बारिश आ रही है। सो हो रही है यहाँ पे बारिश थोड़ी सी, अगर बारिश रुकेगी तो देखते हैं जाएंगे कहीं, और नहीं तो फिर घर पर ही जन्माष्टमी की जो झांकी कल हमको सजानी है उसकी तैयारी करेंगे। देखते हैं उसकी तैयारी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या क्या हमारे पास है जुगाड़, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अदरवाइज़ कल का दिन भी है, कल फ्लावर्स लेके आएंगे, फ्लावर्स से भी सजावट करेंगे, और फ्लावर्स लेके आके भी कुछ ना कुछ सजाने का कोशिश करेंगे, और ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये जनाब तो खाते कम है आजकल। सो मैं फिर भी बनाऊंगी श्रीखंड। श्रीखंड के लिए मेरे पास दही नहीं है, सुनो दही मार्केट से दिला देना। श्रीखंड बना लेंगे, और थोड़ा सा मिश्री, माखन मिश्री वो भी थोड़ा सा बनाएंगे, और अगर ये पूरी खाएंगे तो पूरी, नहीं खाएंगे तो मैं पराठे बना लूँगी, और साथ के साथ कोई सब्ज़ी। जो रात को हम लोग, तुम तो 12 बजे नहीं खाओगे ना? मैं तो 12 बजे खाऊँगी, मैं तो रात को 12 बजे खाऊंगी, ये खा लेंगे पहले, मैं भोग पहले निकाल लूँगी, और फास्ट तो मैं करूँगी, ये करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। तो देखते हैं कल क्या क्या होता है, कैसे होता है, और अभी जो है अभी क्या प्लान बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज अब हम रेस्ट करके उठ चुके हैं, और अब ये जो है मेरे पति देव वो कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। शाम का टाइम है, भगवान के कमरे की लाइट जली रहने देते हैं, और हमारे जो पति देव हैं वो कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट कहीं तो जा रहे हैं, और मैंने इनको बोला मुझे कुछ काम है, तो बस अभी चले इनकी सवारी जली। क्या मुंह बना रहे हो, रील्स बनाने को नहीं बोला मैंने तुम्हें? दो तो बना लेंगे। कब बनाओगे? हमारी शाम की चाय, और इन्होंने जन्माष्टमी की ना कोई प्लानिंग की है, ना कोई सोचा है, और ना कुछ करवा रहे। मैं क्या, मैं कुछ नहीं करूंगी, भगवान कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक घंटे के लिए जा रहा था, उसको सब याद आ गया। नहीं मैंने बोला था ना शाम को चलेंगे आज, बोला था ना, हाँ जाके आओ। मैं भी वैसे भी बर्तन करूंगी, अभी बर्तन करके मैं रेडी होती हूँ, बर्तन मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, मैं बर्तन करके फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। सो ये देखिए आ गई है हमारी चाय बन के, और साथ के साथ मैंने जो थोड़े से बर्तन रखे थे वो भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा जब तक ये चाय बना रहे हैं तब तक मैं बर्तन कर लेती हूँ, तो बर्तन भी काफ़ी कुछ मैं कर चुकी हूँ, थोड़े से और रह गए, और अभी ये कहीं जा रहे हैं, उसके बाद आते हैं तो देखते हैं हम कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, अदरवाइज़ घर पर ही प्रिपरेशन करेंगे। फूल तो अपन कल ले आएंगे ना, कल ही लाएंगे ना, पर फूल अपने को खूब चाहिए, तो वो मंडी का पता करो ना तुम। जीरा वाला बहुत महंगा देता है। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस, एकदम परफ्यूम से ना करके जा रहे हैं। डीओ
देखो बाल भी इतने स्टाइल से बन रहे हैं ना गाइस, देख रहे हो ना गाइस, चड्डे में जा रहा हूँ इसके। जींस पहन लोगे अभी तो तुम। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अब किचन में और शाम का डिनर बना रहे हैं। हमने आज काफी सारे रील्स भी शूट कर लिए और दिन में मैंने चावल जान करके थोड़े एक्स्ट्रा बनाए थे क्योंकि मुझे आज फ्राइड राइस खाने का मन था। फ्राइड राइस इन द सेंस की देसी जो चावल फ्राई करके खाते ना वो, नॉट चाइनीज फ्राइड राइस। मुझे ये नॉर्मल फ्राइड राइस खाना, मतलब नॉर्मल फ्राइड राइस बहुत पसंद है जो मम्मी बनाती है मेरी स्पेशली। खाली इसमें हरी मिर्च, हमारी मम्मी ही बनाती है, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब यहाँ पे मतलब मेरी दोनों मम्मियाँ बनाती हैं एक्चुअली। सो और यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ तो मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं क्योंकि प्याज बहुत तीखे हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, प्याज काट के मैं लगाऊंगी अपने चावल को तड़का और मेरे प्याज आंखों से बहुत आंसू आ रहे हैं। प्याज हरी मिर्ची कट चुकी है और ये देखिए चावल में मैं डालूंगी सारे मसाले। करो हरी मिर्ची मैंने डाली है एक छोटी सी, ज्यादा तीखी नहीं है तो दो छोटे चम्मच, ढाई चम्मच कर लेते हैं, ढाई चम्मच हमने डाल दी इसमें लाल मिर्ची। ठीक है अब हम डालेंगे तेल, अच्छा से गर्म हो चुका है ये देखिए तेल गर्म हो गया, तेल में डाल देंगे हम राई, राई डालते ही हम डाल देंगे इसमें प्याज हरी मिर्ची। आप इसमें चाहें तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, मेरी मदर इन लॉ डालती है मूंगफली, मैं नहीं डालती क्योंकि ना हिमांशु को पसंद है ना मुझे पसंद है। अब प्याज को अच्छे से पकाएंगे हम, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चावल। तो जो हमने मसाले डाले थे वो हम चावल के साथ ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इस कढ़ाई में डालेंगे जब हमारे प्याज अच्छे से पक जाएंगे। तो इससे क्या चावल के अंदर ना मसाले बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो फिर टेस्ट अच्छा आता है। तो ये अब मैं डाल रही हूँ चावल क्योंकि प्याज अच्छे से पक गए थे। प्याज अच्छे से पकने के बाद हम इस चावल को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए चावल को फिर पकने देंगे इसके अंदर, भी हो जाएंगे फ्राई और फिर आएगा मजा खाने में। इतने यमी यमी दिखते हैं ना ये और लगते भी बहुत यमी है। बहुत सिंपल और इजी डिश है, मतलब आपके चावल बच जाएं तो इस तरीके से फ्राई करके खाइए। मुझे पता है लोग इसमें कई बार प्याज टमाटर आलू ये सब इतनी सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं पर मुझे तो ये सिंपल वाले अच्छे लगते हैं जिसमें मैंने आपने देखे होंगे प्याज ज़्यादा डाले, प्याज ज़्यादा डाल के मस्त चावल बनाओ अच्छे लगते हैं। ज़्यादा ताम झाम नहीं, सबसे सिंपल सबसे इजी और जल्दी बनने वाली चीज़। यार रोनाल्डो के यार एक दिन में इतने हो गए मेरे, कब होंगे फॉलोअर्स यार, मतलब गजब गजब। तो ये हो गए हमारे चावल रेडी और हम खाएंगे, पति देव को भी खिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको कैसे लगे। क्या हुआ ज्यादा गर्म था क्या? बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है। धीरे धीरे खाओ, ठंडा करके खाओ। कैसा बना? अच्छा पक्का। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, हम लोगों ने खा लिया है राइस वगैरह जो हमको खाना था और मैं आपको दिखाती हूँ जो कल जन्माष्टमी की तैयारी के हिसाब से मैंने कुछ सामान मुझे निकालने थे मेरे पास ऑलरेडी हैं जो मैं नवरात्रि में भी माता जी के सजाने के लिए करती हूँ। तो वो क्या है भगवान के डेकोरेशन में दिवाली वगैरह सबका ना मैं अलग ही रखती हूँ तो इसलिए वो डेकोरेशन मैंने अभी निकाल रखा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी बस और कुछ खास कर नहीं पाया जन्माष्टमी के लिए क्योंकि शाम के टाइम ना पानी भी आ गया था, मतलब बारिश आ गई थी तो शाम के टाइम हम कुछ कर नहीं पाए थे।
छोटा मोटा जो किया वो घर का ही काम किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिए माला वगैरह, और ये भी मैंने कुछ निकाल लिए हैं। ये जो मैं अगर मिला मौका और लगा पाई तो मैं लगाऊंगी। देखिए ये सब मेरे पास रखे हुए हैं, तो जिस तरीके से जैसे भी सेट होगा वो उस तरीके से मैं सेट करके इनको लगा लूँगी अगर लगा पाई तो, नहीं तो सिंपल सा ही कुछ करूँगी तो सिंपल सा कुछ कर लेंगे जैसा भी होगा। सो ये मैंने निकाल लिया है, इनसे कल बनाएंगे थोड़ी सी झांकी टाइप या जैसा भी सजा पाएंगे तो सजाएंगे जन्माष्टमी के लिए। देखते हैं सजा पाते नहीं सजा पाते क्या होता है, कल का कल ही पता चलेगा। सो ये सारे सामान मैं निकाल चुकी हूँ और कल जन्माष्टमी है। सो जन्माष्टमी का व्लॉग कल आएगा, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने जन्माष्टमी में क्या क्या किया, क्या क्या बनाया और क्या क्या मैं कर पाई, वो सब आपको जन्माष्टमी के व्लॉग में दिखेगा, नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के व्लॉग्स देखने के लिए। और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर और कमेंट करके बताने कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। और इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, इनसे भी टाटा बाय बाय कर लीजिए। हेलो टाटा बाय बाय बाय। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।